हेलो गाइस, मैं अरविंद वर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल खाना खजाना विद अरविंद। और आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस रेसिपी मटर पनीर की, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है चाहे जिस तरह से बनाई जाए। बट मैं अपने तरीके को आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर कमेंट करें कि कैसी लगी। तो चलते हैं। तो मटर पनीर बनानी है तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं, वो चीज़ें हमने ले ली हैं, तो उन सब चीज़ों से हम इंट्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से इसको कट करेंगे, किस तरह से पूरे प्रोसेस को करेंगे। दो टमाटर लिए हैं हमने, प्याज ली है, हरी मिर्ची ली है, लहसुन लिया है, पनीर ले लिया है एंड अदरक, मटर और गरम मसाले। खड़े गरम मसालों का स्वाद ही अलग होता है। खड़े गरम मसालों में मैंने लिया है दालचीनी लिया है, इलायची लिया है, लौंग लिया है एंड काली मिर्च। अब हम प्याज को चॉप करते हैं। पहले प्याज को रफली ही चॉप करेंगे क्योंकि हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके हम प्याज को फ्राई करेंगे, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं करना है, रफली ही चॉप कर लेंगे बराबर। ग्राइंड करने से प्याज बढ़िया से बारीकी से पिस जाती है। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हल्का ही ग्राइंड करना है और उससे हम भून लेंगे तो बढ़िया से स्वाद निखर कर आता है। तो हम बढ़िया से चॉप कर लेते हैं पहले इसको। इसे हम भून करके थोड़ा ऑयल में डाल सकते हैं, बट वो शाही पनीर में करते हैं तो शाही हर चीज़ का अपना अलग स्वाद होता है, इसलिए मैं भून के नहीं डाल रहा हूँ, सीधा ही चॉप करके इसको डालते हैं हम ग्राइंड करने को। इसी तरह से हम टमाटर को भी कट कर ले रहे हैं छोटे पीसों में, ज़्यादा नहीं कट करना है क्योंकि देखिए हमने प्रॉपर ग्राइंड कर दिया है। टमाटर कितना बढ़िया प्योरे बन गया है और प्याज का भी ग्राइंड देखिए हो गया है। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, हरी मिर्ची को भी बढ़िया से कट कर लिया है। अब चलते हैं हम फ्राई पैन की तरफ। फ्राई पैन हमने गैस पे रख दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है लगभग। अब हम इसमें चीज़ों को ऐड करना चालू करते हैं। पहले गरम मसाले को ही ऐड करते हैं हम, जिससे उसकी खुशबू बढ़िया से भुन जाए गरम मसाले और बाहर आ जाए। देन हम हरी मिर्ची उसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर हमारा बहुत अच्छा आता है। और देन हम प्याज के प्योरे को ही ऐड कर देंगे सीधा। ध्यान दें, रेड चिली को डालने के बाद प्याज का प्योरे तुरंत डालें क्योंकि वो रेड चिली पाउडर नहीं तो जल जाएगा और कलर अच्छा नहीं आएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बट हम प्याज को बढ़िया से भून लेंगे लो फ्लेम पे ही। आप थोड़ा मीडियम फ्लेम कर सकते हो और बढ़िया से धीरे धीरे चलाते रहें क्योंकि प्याज नहीं तो चिपक जाता है पैन में नीचे। बढ़िया से हम इसको भून लेते हैं। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक बढ़िया से ये रेड ना हो जाए और चिपकना पैन में लगना बंद ना हो जाए। जब तक प्याज में पानी रहेगा तब तक चिपके। देखिए ऑयल सारा ओज आउट हो गया है और हमने उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड किया है। देन जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो भी है वो हम बाद में ऐड करते हैं प्याज होने के बाद, क्योंकि जिंजर गार्लिक में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है, वो ऑयल में जल जाता है, इसलिए हम उसको लास्ट में ऐड करते हैं, नहीं तो उसका कोई स्वाद नहीं मिलता है। प्याज हो जाती है, देखिए प्याज हमारी आधी हो गई है अप्रॉक्सीमेट, बढ़िया से इसका मतलब भुन गई है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर सकते हैं, टमाटर का जो प्योरे बनाया था
वो ऐड कर सकते हैं। देखिए प्याज एकदम रेडी है हमारी, देन आप टमाटर हम प्योरे ऐड कर देंगे। टमाटर प्योरे ऐड करने के बाद भी हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको बढ़िया से चला के मिक्स करके भूनेंगे। सॉल्ट ऐड करने से हमारा टमाटर पक जाता है बराबर, और उसमें से ऑयल जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, उज़ आउट हो जाते हैं, नहीं तो टमाटर बढ़िया से पकेगा नहीं हमारा। देखिए टमाटर कितना बढ़िया से पकता जा रहा है और अमाउंट ऑफ टमाटर एंड प्याज कम होती जा रही हैं, इससे पता चल रहा है ये बढ़िया से पकता और फ्राई होता जा रहा है, कलर बढ़िया है हमारा। इसके बाद हम इसमें जब टमाटर और प्याज बढ़िया से पक जाएं, इसको चलाते ही रहिएगा, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगे पैन में और वो स्वाद को ख़राब करेंगे। बढ़िया से चला के फिर उसमें हम मसाले ऐड करना चालू करेंगे। देखिए ऑयल कितना बढ़िया से हमारा बाहर आ रहा है, जिस जैसे ही ऑयल बाहर आना चालू कर दे हमें पता चलना चाहिए कि बढ़िया से हो गया है। अब हमने एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी सी रेड चिली डाला है एंड थोड़ा सा शाही पनीर मसाला डालेंगे। शाही पनीर मसाला चाहे जो आप प्रेफर कर सकते हो, थोड़ा ही मसाला डालेंगे, मसाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लोग मसाला ज़्यादा डाल देते हैं पनीर में अच्छा बनाने के चलते, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा पानी डाल के हम मसालों को भून लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर भूनेंगे तो मसाले पिसे हुए हैं वो जल जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को भूनेंगे। देखिए कितना अच्छे से भून लेंगे, तब हम मटर को ऐड करेंगे। मटर को आप अगर फ्रेश मटर है तो आप पहले ऐड कर सकते हो, जिससे वो पक जाए बढ़िया से। अगर आपका मटर ऐसे पैकेट का है तो आप बाद में ऐड कर सकते हो, मेरा पैकेट का मटर है इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। देन हम पानी ऐड करेंगे, आपको जिस तरह से थिक चाहिए, जितना लूज चाहिए उस तरह से आप पानी को ऐड कर सकते हैं। मुझे तो थोड़ा सा थिक ही पसंद है पनीर मटर, इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रहा हूँ। और थोड़ा सा अब नमक ऐड करेंगे, नमक हमने कई स्टेप में डाला है, ध्यान दीजिएगा उस हिसाब से आप नमक ऐड करिएगा, उस हिसाब से नमक ऐड करिएगा। और हम फिर ढक देते हैं इसको और 5 मिनट इंतज़ार करेंगे हाई फ्लेम पे। देखिए 5 मिनट हमारा बीत चुका है, कितना बढ़िया से पक रहा है। हाई फ्लेम पे ही मैं पकाता हूँ, आप चाहे मीडियम फ्लेम पे भी पका सकते हैं, कितना थिक हो गया है। जब हमारा ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाए तो हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के बाद हम इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे चला करके। देखिए ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, नहीं तो पनीर हमारा फूट जाएगा, बराबर संभाल के मिक्स कर दें। और हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे हमारे पनीर के अंदर भी प्रॉपर ग्रेवी और नमक मिक्स हो जाए। 2 मिनट के लिए ढक के वेट करेंगे हम। 2 मिनट हमारा बीत चुका है, देख कितना अच्छा सा कलर आ गया है और कितनी अच्छी सी पनीर हमारी रेडी है। सारा ऑयल बाहर स्प्रिट हो गया है जो भी था, और बढ़िया से अब इसे हम सर्व करने के लिए निकाल सकते हैं। तो धनिया डाल दिया हमने, धनिया लास्ट में ही डालते हैं, उससे खुशबू अच्छी आती है, पहले डाल देने पे वो अच्छी खुशबू नहीं रह जाती है। तो देन हम इसको निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए।
देखिए हमने कितना बढ़िया से पनीर रेडी है हमारी, कलर भी कितना अच्छा है और खाने में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी तो मुझे भूख लग गई है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और कैसी बनी आपकी रेसिपी वो बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या कमियां थी वो बताइए आप कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए क्योंकि अगला नोटिफिकेशन उसी से आएगा। तो अगले रेसिपी तक आप इंतज़ार करिए, हम जल्दी मिलेंगे आपको अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू। आपको अगली रेसिपी के